The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, once again, hello, namaskar, sat sri akal, ki hal chal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe Dr. Education. And today we are going to talk about summer illnesses. धूप में समर में जो सबसे बड़ी बीमारियां आपके सामने आती हैं, आपको प्रॉब्लम करती हैं, वो क्या है, किस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए, किन बातों के बारे में यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट? समर टाइम इज वेरी ग्रेट अदरवाइज, राइट? आपको सारी बाहर अच्छे अच्छे कपड़े एंजॉय करने को मिलते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू कैन गो आउट इन द बीच and enjoy, have fun. लेकिन the problem is कि इसमें heat waves आती हैं. Heat waves meaning कि गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, right? So the problem is somewhere related to heat because summer is heat, obviously. So इसमें क्या है कि अगर heat आपको ज्यादा देर के लिए लग जाए, अगर ज्यादा देर आप उससे expose हो जाए, तो आपको health problems आ सकते हैं. So, किसको आ सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम? सबसे पहली चीज तो ये है कि हु इज एट रिस्क, हु इज द पर्सन एट रिस्क. द मोस्ट जो ज्यादा रिस्क में होते हैं वो होते हैं आपके बच्चे. चिल्ड्रन आर एट द मोस्ट रिस्क इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. चिल्ड्रन एंड एल्डरली, बच्चे और बड़े, एल्डरली आर मोस्ट रिस्क. और जो ऑलरेडी बीमार है, दोज पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पीपल हु आर वर्क आउटसाइड इन द सन, इन द ओपन, दोज पीपल हैव अ हायर रिस्क देन पीपल जो आपके घर में बड़े हैं, जो एक्चुअली अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं. दोज पीपल इज मोर रिस्क, राइट? मोर रिस्क ऑफ हैविंग एनी दीज काइंड ऑफ इलनेसेस. सो मेक श्योर कि छोटे बच्चों को आप बाहर खुली कार में, खुली या बंद कार में ना छोड़ें. कार में छोड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्स कैन क्विकली हीट अप, उसमें गर्म माहट गर्म बहुत जल्दी बन जाती है, दैट कैन कॉज डेंजरस प्रॉब्लम्स. स्पेशली अगर विंडोज बंद है, ये दिक्कत बंद है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा अंदर कितना डैमेज हो जाता है एंड योर चाइल्ड कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम्स, राइट? सो बच्चे को कभी कार में अकेला ना छोड़े, समर में खासकर. और इसके अलावा अपने जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनको चेक करते रहें, उनको देखते रहें, मेक श्योर करें कि वो सही मात्रा में पानी पी रहे हैं, सही मात्रा में ठंडी, मतलब उनकी जो इलाका है, जो उनका जो जहां वो रह रहे हैं, दैट प्लेस इज कूल इनफ टू स्टे, राइट? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? एंड व्हाट कैन यू डू? नंबर वन पॉइंट, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट? पानी बहुत जरूरी पीना. अल्कोहल अवॉइड करना है, चाय कॉफी अवॉइड करनी. क्यों? ऑब्वियसली अल्कोहल, चाय कॉफी, ये क्या है, ये डायुरेटिक्स हैं, ये आपके यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं. सो हमें लगता है कि ये वही ये पानी है, लेकिन पानी नहीं है, ये ऑलरेडी आपको और डिहाइड्रेट कर देते हैं. सो इसलिए अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है. देन यू हैव टू वेयर लूज क्लोथ्स. समर में आप हल्के लाइट कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने. डार्क कलर इज अगेन कॉजिंग सम इश्यूज इन समर्स. एंड देन आप एयर कंडीशन में जितना हो सके कम समय बिताइए, राइट? बिकॉज अगर हॉटेस्ट पार्ट हो रहा है समर के, तो आपको क्या होगा, आपके बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने में इट्स इंपॉर्टेंट. अगर एयर कंडीशन में ही रहोगे और फिर बाहर जाओगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कैन कॉज प्रॉब्लम. दैट्स अ ग्रेट रीजन एक्चुअली, ताकि क्योंकि आप चाहो तो अपने जो छुट्टी जा सकती हूँ, कैन टेक अ विजिट एट योर वेर एवर योर होम टाउन इज और सम हिली एरिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इन दिस समर्स, राइट? वो कर सकते हैं, आउटसाइड जा सकते हैं, राइट? और ब्रेक जरूर लीजिए, नहाना जरूरी है समर में, कंपल्सरी एक या दो बार रेस्ट जरूर लेना है. और जब भी आप समर में आउट ऑफ हाउस हैं, सो भाई आप ध्यान रखिए कि आप शेड ढूंढे. शेड इज द शेड बहुत जरूरी है, शेड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो कीप ऑन प्रेसिंग द हार्ट. And we'll be talking about this. All right. If you are liking, give me a good like. Right. वो जरूरी है. So क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर आप समर में चले गए तो? भाई एक्सट्रीम हीट से क्या हो जाएगा? इलनेस क्या हो जाएगी? देखिए इलनेस बहुत सारी होती है समर में और बहुत प्रकार की होती है. नंबर वन चीज जो सिंपल सी चीज है, एक हीट इंटॉलरेंस जिसको कहते हैं कि मुझसे हीट बर्दाश्त नहीं, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है. हीट इंटॉलरेंस यानी सबको हो रही है, मुझे नहीं हो रही. ओवर हीट हो रही है जब टेम्परेचर आपके यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाए. वो क्यों होता है? ज्यादातर लोगों में ओवर
हीट इनटॉलरेंस होती है क्योंकि वो ज्यादा कैफीन ले रहे हैं, ज्यादा कॉफी पी रहे हैं, या कुछ एक्चुअल रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट ले रहे हो, कोई भी एम्फेटामिन ले रहे हो, आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, ऐसी सारी चीजों से क्या होता है, ये दवाएं होती हैं, दीज हैव सम इफेक्ट्स ऑन योर एपेटाइट। ये एम्फेटामिन एंड ऑल ये आपकी एपेटाइट भी कम करेगी या बढ़ा देगी, बढ़ा देगी तो हीट जल्दी बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा पैदा होगी, ये सॉरी बढ़ा देगी बोल कम हो जाएगी बोल रहा था, बढ़ा देगी तो ऑब्वियसली हीट ज्यादा पैदा होगी एंड देर इज अ प्रॉब्लम। देन कैफीन डायूरेसिस करेगा, अल्कोहल डायूरेसिस करेगा, एनजाइटी धड़कन बढ़ा देगी, आपके अंदर हीट प्रोडक्शन बढ़ा देगा। फिर कुछ लोगों को हॉर्मोन्स के वजह से होता है, जैसे अगर थायरॉयड हॉर्मोन्स बढ़ जाए, थायरॉयड हाइपर थायरॉयड हो जाए, तो आपके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी एंड यू हैव अ प्रॉब्लम हीट इंटॉलरेंस। एंड देन मीनोपॉज, आप अगर अपने मेंसेस के एंड स्टेज में है, जहां मेंसेस खत्म होने वाले हैं आपके, तो मीनोपॉज के टाइम पे भी यू कैन हैव वेरी वेल हैव हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस इज वेरी कॉमन। अगेन प्रिवेंशन, ज्यादा पानी पियो, खूब पानी पियो, बढ़िया से 3 से 4 लीटर पूरे दिन में लिक्विड्स, बेसिकली एवरीथिंग मिला के, दूध दही पनीर लस्सी छाछ दाल वाल एवरीथिंग मिला के आपका लिक्विड होना चाहिए 3 से 4 लीटर। एंड देन यू जितना हो सके अंदर रहिए, धूप में बाहर मत घूमिए, और जितना बाहर घूम रहे हो उसमें शेड ढूंढो। ये बेसिक चीजें। उसके अलावा चीजें होती है जैसे हीट स्ट्रेस नाम की चीज होती है। हीट इंटॉलरेंस अलग है, हीट स्ट्रेस अलग होता है। हीट स्ट्रेस भी ऑब्वियसली उन लोगों के लिए होता है जिनको ऑलरेडी थोड़ी सी हीट एग्जॉशन, मतलब हीट स्ट्रेस अलग है और हीट इंटॉलरेंस अलग है। हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रेस, हीट क्रैम्स, हीट इमरजेंसीज, ये सारी अलग चीजें हैं, सबके बारे में बात करेंगे। हीट स्ट्रेस में ये सारी चीजें आती है बेसिकली। तो पहली चीज इसमें होती है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या है, राइट? सो हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्स और हीट इमरजेंसीज, ये सारे आते हैं हीट स्ट्रेस में। हीट स्ट्रोक मतलब आपके बॉडी के अंदर कंट्रोल है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है हाइपोथैलेमस का, वो टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो गड़बड़ा जाता है बिकॉज ऑफ हीट, एंड दैट कैन एक्चुअली कॉज सीरियस डिसेबिलिटीज और इवन डेथ इन सम स्टेसेस, जो प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। सो हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, आपका दिमाग से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आपको धुंधला दिखने लगता है, कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, कंफ्यूजन होता है, आपके स्किन एकदम गर्म गर्म ड्राई हो जाएगी, और स्वेटिंग होगी तो बहुत स्वेटिंग होगी, धड़कन ती बढ़ जाएगी, हार्ट सर में सर दर्द होने लग जाएगा, हेडेक एकदम थ्रॉबिंग थ्रॉबिंग हेडेक, और इवन यू कैन हैव दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, कोमा में ते भी जा सकते हो भैया, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। सो अगर हीट स्ट्रोक जैसी कोई दिक्कत आ रही है तो इमीडिएटली आपको मेडिकल असिस्टेंस के लिए दौड़ना है। बाकी जो भी पर्सन है उसको एक ठंडी जगह पे ले जाइए, शेडेड एरिया पे ले जाइए, उसको सारे एक्सेस क्लोथिंग सब 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 हटा दो और ठंडा पानी या ठंडा कोल्ड वाटर उसके बॉडी पे डालो, दैट इज अवर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? अगर बेहोश है तो जबरदस्ती पानी मत पिलाना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ये सारे फर्स्ट एड में आएंगे। फिर आया हीट एग्जॉशन। क्या हीट एग्जॉशन का मतलब, बॉडी में थोड़ा एक्सेस हीट है तो सॉल्ट एंड वाटर के वजह, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आपके अंदर सॉल्ट एंड वाटर कम हो गया, बेसिक डिहाइड्रेशन, राइट? यूजुअली स्वेटिंग ज्यादा हो जाने की वजह से, ठीक है, बहुत बाहर घूमे, स्वेटिंग हो गई, सॉल्ट वाटर डिहाइड्रेशन हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, क्या होगा, धड़कन बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, स्वेटिंग हो रही है, आपको वीकनेस होगी, थकान होगी, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी, स्वॉलोइंग बढ़ सकती है। नहीं देखो, जब आप थक जाते हो ना, प्यास लगती है, थर्स्टी लगती है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ नहीं करना है, कूल एरिया जाओ, रेस्ट करो, पानी पियो, बढ़िया ठंडे बेवरेजेस पी लो, और एक ठंडा शावर ले लो या एक स्पॉन्ज बाथ, ठंडा शावर, ऐसे से ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, बस गेट आउट ऑफ दैट एरिया, ठीक। हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं, हीट क्रैम्प का मतलब जो भी पर्सन हीट में काम करते हैं, हीट में एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, या यू गो एंड आउट एंड एक्सरसाइज आउटसाइड, तो उन केस में ना सिर्फ बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर डिहाइड्रेशन होता है, बल्कि बॉडी के अंदर मॉइस्चर भी कम होते जाता है, मसल में मॉइस्चर कम होता जाता है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं डिहाइड्रेशन से। सो मसल क्रैम्प्स, पेन, स्पाजम, कई बार पेट में होगा, कई बार आर्म में होगा, कई बार पैर में होगा, सब जगह हो सकते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 कॉमन डिहाइड्रेशन की वजह से, समर के अलावा भी होते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई अगर मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, चेक योर वाटर, राइट? चेक योर वाटर एंड कीप लाइकिंग द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग इट, राइट? सो ऐसे में क्या करें, पहली चीज एक्टिविटी बंद करो, बिकॉज उसे हीट क्रैम्प हो रहा है, एक्टिविटी बंद करो, सिट इन अ कूल प्लेस,
पानी पियो, क्लियर जूस या क्लियर वाटर, स्पोर्ट्स बेवरेज या ऐसी कोई चीज जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ORS, इलेक्ट्रॉल, ये सब चीजें आप पी सकते हो, पानी पियो। सॉल्ट टैबलेट नहीं खानी है, सिर्फ सॉल्ट नहीं चाहिए, यू नीड वाटर ऑल्सो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड देन एकदम ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अच्छा लगे दौड़ के वापस आप वापस शुरू हो गए एक्सरसाइज करना और वट एवर काम करना, इसके लिए भी यू नीड रेस्ट। आपको बॉडी को रेस्ट देना है, मसल को रेस्ट देना है, या फिर आप एक मेडिकल एग्जामिनेशन, बेसिकली आपका हेल्थ चेकअप करा सकते हो कि और भी कोई दिक्कत तो नहीं है। सो रिमेम्बर दिस इज द थिंग। इसके अलावा अगर आप बात करें हीट स्ट्रोक की, तो हीट स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड अगेन, क्योंकि इसमें बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, यहां तक कि 104 डिग्री 105 डिग्री तक से भी ज्यादा हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक में अनकॉन्शियसनेस, सीजर, तो अगर किसी को आप अनकॉन्शियस पाते हैं तो याद रखिए कि उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, 12 इंच ऊपर पैरों को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करिए, लेग साइड को। नंबर तो आप अप्लाई करो उसको, उसके कपड़े कम कर दो, कपड़े निकालो, पूरे के पूरे मत निकाल देना, ऑब्वियसली फीमेल है तो थोड़े से कम निकालिए, और कूल चीजें उसके ऊपर डालना है, या तो आप उसको पर्सन के स्किन को एक फैन, ठंडे पानी डाल के फैन में रखिए, बॉडी टेम्परेचर कूल करना है धीरे धीरे, राइट। कोल्ड कंप्रेसेस आप रख सकते हो उनके पर्सन के गले में, आर्मपिट्स में कोल्ड पैक्स रख सकते हो, उससे जल्दी बॉडी टेम्परेचर कम होता है। और आप उसको अगर जैसी होश आता है तो आपको पीने के लिए आप उनको सेम चीजें, इलेक्ट्रोल, स्पोर्ट्स ड्रिंक, पानी एटसेट्रा एटसेट्रा यू कैन गिव इट, और मेक श्योर कि भी मसल क्रैम्प्स को आप एड्रेस करें, रिलैक्स रखें बॉडी को। और अगर किसी भी प्रकार का साइन एंड सिम्टम है शॉक का, मतलब अगर हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, ब्लू कलर के, अगर अलर्टनेस, बेहोश हो गया और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो कतई ऐसी चीजें खुद से करने की कोशिश मत करें, या दौरा पड़ रहा है, झटके पड़ रहे हैं, पूरी बॉडी हिल रही है, मिर्गी का दौरा जैसा है, तो डायरेक्ट उनको हॉस्पिटल ले जाएं। रस्ते में आप फिर ये सब ट्राई कर सकते हो जो ठंडी करने वाली बात है, और क्या नहीं करना है वो जरूरी चीज है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को कोई भी एंटी फीवर एस्पिरिन या पैरासिटामोल वाली दवा नहीं देनी है, क्योंकि हीट के वजह से है, तो बॉडी को ठंडा करना ही उसका इलाज होता है, तो ये दवा नहीं देनी है। अकेली सॉल्ट टैबलेट नहीं देनी है, और आप उसको कोई भी ऐसी लिक्विड वाली ड्रिंक नहीं देंगे जिसमें अल्कोहल है, कोई कैफीन है, वो चीजें नहीं देंगे, वो उल्टा प्रॉब्लम कर देगी। और अल्कोहल से उनके स्किन पे रब करने मत लग जाना कि वो ठंडा लगेगा, ठंडा वो गड़बड़ करेगा। और कोई भी चीज मुंह से जब तक होश नहीं है तब तक नहीं देना। अगर पर्सन वॉमिटिंग कर रहा है, अनकॉन्शियस है, तो कतई मत देना, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट प्रॉब्लम्स, हीट स्ट्रोक्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट क्रैम्प्स, हीट इंटॉलरेंस। सो आई होप आपको समझ आया, बढ़िया मजा आया होगा इसमें। अब यू कैन एक्चुअली शेयर दिस नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस समर्स टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड ऑल्सो यू नो नॉलेज वाइज। सो ये वीडियोज आप जब देखते हैं तो शेयर करिया करो।